लोगों का ख्याल खुद रखना है। ये बेसिक तरबियत है जो गुजरात के हर घर में हर माँ बाप अपने औलाद को देते हैं, तो मेरी भी उसी तरह तरबियत हुई। जब ये मौका आया जिसमें खान साहब के खिलाफ उनके जितने दुश्मन हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर उसी टाइम पे जो मेरी तरबियत है वो किकिन कर गई, उस सामने आ गई बात। मैंने जाके शिजात साहब और प्रवेश साहब से बात की, आज शहर के और मेरे बीच मेरा दिल है वो जो दूरी है उसको भी दूर किया जाए, और उसको इंशाल्लाह दूर करने का तरीका यही है कि जब इलेक्शन कैंपेन में हम निकलते हैं यूनियन काउंसिल वाइज गली मोहल्ले वाइज भी हम जलसे करते हैं, तो मेरा दिल है कि उसी तर्ज पे अब एक राबता मुहिम गुजरात शहर के वाम के साथ की जाए, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसको भी हमने शुरू करना है, और बाकी इजला में भी पंजाब के हमने वो भी साथ शुरू करना है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है अगर गुजरात की अवाम हमें सपोर्ट करें। ये अल्लाह की तरफ से हमें एक मौका मिला है अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने का, मुतहद होने का, और जिस तरह आपकी अपनी जमात, आपकी जमात क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ जिसको कहा जाता है, ये कहां की जमात है, किस शहर की जमात है, मुझे बताएं, आपकी जमात है ना, तो यहां से हम अपनी ताकत लेते हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, ये जमात आपकी जमात है, हमने ताकत आपसे लेनी है, तो क्या आप लोग हम पे इतना भरोसा करते हो कि हम बाहर निकल के अपना गुजरात का सिक्का मनवाए? इंशाल्लाह ताला हम अब एक राबता मुहिम शुरू करेंगे, हम हर जिले में जाएंगे, अपना पैगाम लेके जाएंगे, सबको बताएंगे कि हम खासा के पीछे क्यों खड़े हैं। आप लोगों को तो सबको पता है, अब हमने पूरे पंजाब में ये साबित करना है कि गुजरात वाले जो हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज कूट कूट के भरी हुई है, और उस चीज का नाम है वफा। हम हमेशा वफा करते हैं। अगर क्योंकि ये मेरा जेन यही था कि इसको हम एक मुशावरती इजलास रखें, इसमें मेरा दिल था कि अगर आप में किसी ने कोई पूछ रहा है मेरे से कोई बात करनी है तो आप लोग खुल के करो, कोई मुझे झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है।